यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कन्नौज के तिरवा कोतवाली के दरोगा ने भैंस को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। जिम्मेदारी ये कि वो अपना मालिक खुद चुने और फिर जो हुआ वो आप खुद देखिए। सड़क पर विचरण करती ये जीव आपको एक बार की भैंस लगेगी, लेकिन ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये एक दिन की कोतवाल है जिसने अपना मसला खुद ही सुलझाया। हाँ हाँ, सच्ची बोल रहे हैं। दरअसल इसी भैंस नुमा जीप पर तो लोगों ने दावा ठोक दिया था कि ये हमारी भैंस है, और फिर मामला पहुंच गया कन्नौज के तिरवा कोतवाली की चौखट पर। खाकी के भेष में बैठे कोतवाल भी सिर खोजाने लगे कि करें तो करें क्या। अब भैंस के लिए कोई परिचय प्रमाण पत्र या फिर कोई आधार कार्ड की व्यवस्था तो है नहीं, ऐसे में कैसे न्याय का खूंटा गाड़ा जाए। इसी बीच दरोगा जी दिव्यज्ञानी हो गए और तिरवा कोतवाली में मानो खाकी के भेष में विक्रमादित्य अवतरित हो गए। पहली फुर्सत में आदेश दिया कि आज कानून के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा जाएगा, जहां भैंस अपना न्याय खुद करेगी। हमला एक भैंस का था, दो पक्ष कह रहे थे मेरी भैंस है, वो कह रहे थे मेरी भैंस। फिर कैसे निर्णय हुआ? मैंने फैसला भैंस के ऊपर ही डाल दिया कि जिस पक्ष की भैंस होगी उसके साथ चली जाएगी। तो मामला निपट गया? हाँ निपट गया, जिसके साथ जानी थी भैंस जिसकी थी उसके साथ भैंस चली गई। दूसरे पक्ष ने इस बात को संतुष्ट हो गया कि हाँ भैंस उसी की है। दरोगा जी ने आदेश दिया कि सुनो, भैंस कोतवाली के केंद्र बिंदु पर रहेगी। एक पक्ष दाहिने हाथ पर खड़ा होगा, दूसरा पक्ष बाएं हाथ की तरफ, और भैंस खुद अपने मालिक का चयन करेगा। भैंस भी असमंजस में कि कहावत कोई पलट कर रख दिया दरोगा बाबू ने। कहा तो जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, लेकिन अब बीन बजाने की जिम्मेदारी भी दरोगा जी ने हमको सौंप दी। और इसी के साथ तिरवा कोतवाली में भैंस ने खुद अपना इंसाफ कर लिया, अपने मालिक को पहचाना, उनके पीछे चल पड़ी और साथ ही कोस दिया ऐसे कानून के ठेकेदारों को जो जानवरों पर इंसाफ की जिम्मेदारी छोड़ देते। नित्या मिश्र, कन्नौज, एबीपी गंगा।